आपको जल्दी से जल्दी वो शॉपिंग दिखा देती हूँ जो मैं करके लाई। हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। तो आज फिर से जा रहे हैं हम ट्रेड फेयर, साथ में टिंटिन जाएगा। टिंटिन तो जा रहा है तीसरी बार, वो अपने दोस्तों के साथ, और एक बार पहले चला गया, और मतलब मेरे साथ गया था और एक बार दोस्तों के साथ गया था। अब तीसरी बार जा रहा हूँ फिर से हमारे साथ, और दीदी जा रही है, अभी जा रहा है, और भाभी जी जाएंगी, तो इसलिए जा रहे हैं कि कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत चीज मिल जाए हमें बार्गेनिंग से। तो जा रहे हैं हम, और 2 दिन बाद खत्म हो जाएगा ट्रेड फेयर। तो हम सोच रहे हैं कि जब टिकट है हमारे पास तो हम एक बार और होके आ जाते हैं। तो चलिए हमारे साथ, और मेट्रो से जाएंगे। तो मेट्रो सबसे बेस्ट है क्योंकि जाम वाम ना मिले हमको, तो मेट्रो से जाएंगे। 9:30 बज गए हैं और सब मेट्रो के वहां ही मिलेंगे, तो चलते हैं। बाय दोस्तों, वहीं मिलते हैं आपको। पहुंच चुके हैं यहाँ पे, हमारे साथ मामी, मौसी और अब्बी भैया हैं, और बहुत ही कष्टों मतलब बहुत लाइन के बाद हम अंदर आ चुके हैं, और अब जा रहे हैं हम सबसे पहले एक नंबर पे। चलो चलते हैं, आपको ज़्यादा वो ही नहीं दिखाएंगे पुराने वाला, आपको कुछ नया दिखाने का ट्राई करेंगे। चलो चलते हैं। हमने पहला सामान इस वाली शॉप से लिया है, मम्मी ने स्पॉन्ज वगैरह लिए हैं यहाँ से, देखो ये ले रहे हैं अभी भी। मम्मी फिर से जा रही है आयूर पे, क्योंकि मम्मी को सामान बहुत अच्छा लगा आयूर का, फिर से कुछ खरीदेगी मम्मी और चलेंगे फिर आगे, दिखाएंगे आपको और क्या लेते हैं हम। तो गाइस, आयूर पे जो हमने लेना था वो मिला नहीं, तो चलते हैं आगे। आगे रोज़ा है, फ्रेंच एसेंस है, और भी बहुत कुछ है, चलते हैं दिखाएंगे आपको। तो गाइस, अभी हम आए हैं प्रेस्टीज में, और यहाँ पे देख रहे हैं मम्मी और कुछ सामान अपने लिए। ये देखो, बहुत गहरी सोच में है सारे कि क्या लिया जाए। गाइस, हरी दर्शन से हमने लिए हैं ये धूप बत्ती, और आगे चलते हैं दिखाते हैं आपको और क्या लेंगे। अभी हमें स्टेट वाले खाने के, उसमें ये उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु डिपार्टमेंट ऑफ फिशेस, ये मतलब केरला का है। गाइस, यहाँ पे बैठ के हिसाब और सेटलमेंट हो रही है कि कौन सा सामान कहाँ रखना है, और अभी देखते हैं खाने का क्या है। खाना देखेंगे, खाएंगे, उसके बाद चलेंगे फिर कहीं और। यहाँ पे अभी सेटिंग हो रही थी कि कौन सा सामान कहाँ रखना है। खाना लेके आ चुके हैं, और अभी चलते हैं कहीं सरस जाएंगे शायद घूमने, या H5 जाएंगे, देखते हैं दिखाएंगे आपको कहाँ जाएंगे। गाइस देखो आज कितनी भीड़ है, बहुत ही रश है आज, और हम जा रहे हैं H5 या H4 पे, और देखो कितना रश है आज। चलो गाइस चलते हैं H5 या H4, दिखाएंगे आपको कुछ पिछली बारी से अलग, चलते हैं। ये देखो गाइस कितनी भीड़ है आज, और चलते हैं H5 में उत्तराखंड वाले में, क्योंकि हम वहीं के ही हैं, हमें देखना पसंद है वहाँ के बार बार। चलो चलते हैं, और आपको फिर हम उसमें जाएंगे, वो पीछे जो आप पे वाला दिख रहा है ना, ये H6 है, हम इसमें नहीं गए थे क्योंकि कोने पे है। चलो चलते हैं उसमें भी आपको दिखाएंगे, अभी H5 में चलते हैं। जब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं, बाकी सामने किड जोन भी है, ये देखो यहाँ पे अलग अलग मिक्स है सारा, कहीं पे कुछ है कहीं पे कुछ है, अभी तो देख ही रहे हैं ये, अभी देखते कहाँ जाएंगे आगे। गाइस हमें इस वाली शॉप में 10 मिनट हो गए हैं, और मौसी यहाँ पे कपड़े देखे ही जा रही है, देखे ही जा रही है, तेरे पसंद आ गए, और ये रहा। और हम यहाँ पे परेशान हो गए हैं, तो हम बैठ चुके हैं यहाँ पे नीचे, यहाँ पे मैं बैठ गया था, अभी उत्तराखंड वाले में चलेंगे। अरे देखो यहाँ पे अभी देख ही रहे हैं, ये तीनों तो यहाँ के घुस चुके हैं, और ये हटने का नाम ही नहीं ले रहे यहाँ से। और इसके पीछे जस्ट, इसके पीछे हरियाणा है, और इसके जस्ट आगे है केरला, और ये तीनों हट ही नहीं रहे यहाँ से। अब हम जा रहे हैं 6 नंबर पे, देखते हैं दिखाएंगे आपको क्या अच्छा है। ये है 6 नंबर,
इसमें भी सारा मिक्स ही लग रहा है। खोजते हुए तीनों कि कहाँ पे क्या है, कहाँ पे हम शॉप में हम पहले जाएं। यहाँ पे ये भी है, ये बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये देखो वो छोटा वाला कॉर्नर में जो ये वाला मैट है, ये हम पे भी था, ये सेम। और देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, ये ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। यही सेम पीस हम पे भी था। गाइस अब हम आइसक्रीम खा रहे हैं और जा रहे हैं कहीं बैठने, फिर चलेंगे सीधा घर। हमने सब घूम लिया है, अब जा रहे हैं बाहर, और बाहर तो बहुत ही भीड़ है। अब देखते हैं कैसे जाएंगे हम घर, अभी कैब वगैरह करेंगे, मेट्रो से तो नहीं जा रहे, बाकी सब ही हैं। देखो गाइस यहाँ पे अभी भी एंट्री हो रही है, 5:30 तक है क्योंकि एंट्री, और यहाँ पे सब है, ढोल बज रहे हैं उधर, जा रहे हैं घर, भीड़ देखो आप। तो गाइस हमारी कैब तो बुक नहीं हो रही, तो हम बस स्टॉप में आके बैठ गए हैं। और बहुत ही भीड़ है, तो चलेंगे घर, पता नहीं कैसे जाएंगे, पर जाएंगे घर, फिर आपको दिखाएंगे। गाइस देखो यहाँ पे छोटी बहन अपनी बड़ी बहन की गोदी में बैठी है। तो यहाँ से हमने ऑटो कर लिया था प्रगति मैदान से, एक स्टेशन पहले जो मेट्रो स्टेशन था वहाँ के लिए। तो गाइस अभी हम मेट्रो स्टेशन में पहुँच चुके हैं, वो बोलेगी और खाली मेट्रो स्टेशन। तो गाइस पूरी खाली मेट्रो है, सीट बिल्कुल अपनी है, और मजे आ गए सबके मन में, बिल्कुल खुशी मुंह पे, बिल्कुल खुशी। तो दोस्तों 7 बज गए और 7 बजे पहुंच गए मेट्रो से ही आए, क्योंकि हमारी कैब 2 बार हमारी कैंसिल हो गई थी और मुंह कितना काला हो गया। तो चलिए मैं यहीं पे आपको बाय बाय करती हूँ। बहुत मजा आया हमें, 2-3 बार ट्रेड फेयर जाके, हर साल हम जाते हैं, बहुत ही अच्छा लगा। और सामान दिखाऊंगी मैं, सामान जो लाई हूँ वो अगले उसमें दिखाऊंगी, अभी मैं थक गई बहुत। चलो बाय गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। बाय दोस्तों। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग। मैंने सोचा कि आपको जल्दी से जल्दी वो शॉपिंग दिखा देती हूँ जो मैं करके लाई थी, और मैं रात को काफी थक गई थी, इस वजह से मैं आपको वो सामान नहीं दिखा पाई। तो मैं जल्दी से जल्दी दिखाती हूँ। दूसरी बार गई थी मैं ट्रेड फेयर देखने के लिए, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। इस बार भीड़ काफी थी, बहुत सारी भीड़ थी, और मतलब भीड़ में ही मजा आ रहा था। वैसे इतनी भीड़ नहीं थी, पर यह है कि सामान देखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, पर जो हमें सामान अच्छा लग रहा था तो वो हमने ले ही लिया है। तो दिखाती हूँ कि सबसे पहले हमने लिए हैं मैट, मतलब सबसे पहले तो हमने शायद वो स्पंज वाला कुछ लिया, तो दिखाऊंगी, पर मैट बाहर निकला है तो दिखाती हूँ। ये मैट लिए थे तो सब, मतलब ज्यादातर लोग इसीलिए आ रहे थे कि थोड़ा बार्गेनिंग, मतलब थोड़ा रेट कम हो जाए, तो रेट थोड़े कम थे। वो सबसे पहले लाए हैं ये मैट लाए हैं, ये है बाथरूम मैट, ये फिसलन वाले नहीं है, फिसलेंगे नहीं, तो नीचे पूरा रबड़ लगा हुआ है, चिपक जाएगा ये फ्लोर से, रबड़ वाला है तो ये फिसलन वाला नहीं है। ये हमें मिले हैं 250 के दो, तो 500 में हमने 4 लिए थे, 2 भाभी जी ने ले लिए, 2 मैंने ले लिए, तो ये मिले हमको 250 के। तो मुझे रेट थोड़ा रीजनेबल अच्छा लगा, तो हमने फटाफट उठा लिया, और ये 4 ही पीस पड़े थे इसलिए उन्होंने मतलब कम रेट लगा दिया था। तो इनको करते हैं साइड में, और सेकंड अगली बार मतलब गए थे तो ये गए हम से नजीर वाले में, जिनके मसाले काफी फेमस है नॉन वेज में, तो ये हमने लिए हैं। मैंने लिया है 1 बटर चिकन मसाला और 1 है बिरयानी मसाला, तो ये यूज करके देखेंगे, और काफी मतलब अच्छे हैं इनके मसाले, हमने पहले भी यूज करे हुए हैं, तो
तो वहां पे स्टॉल देगी, तो उसके साथ एक के साथ एक फ्री मिल रहा था, तो इसलिए हमने ये वाले नजीर वाले मसाले ले लिए, क्योंकि यहाँ बटर चिकन वाला मसाला मिलता नहीं है MTH में खासकर जो हम यूज करते हैं, तो ये मुझे नजीर का मिला तो मैंने ये ले लिया, एक के साथ एक फ्री थे और ये था 70 रुपीज या 75 रुपीज का एक के साथ एक, तो ये काफी अच्छी डील थी, तो मैंने दो ही लिए, तो औरों ने तो काफी सारे लिए, जैसे दीदी भाभी जी उन्होंने काफी सारे मसाले लिए हैं वाले, तो मैंने दो ही लिए, मैंने पहले टेस्ट करूंगी कैसे होंगे, तो फिर उसके बाद पता चलेगा अगले ट्रीटमेंट में ले लेंगे दोबारा से अगर अच्छा होगा तो। तो ये है सेकंड चीज, और ये लिया था फर्स्ट टाइम स्पंज लिया है, जो मतलब दिखा रहे थे करके कि भाई इतना अच्छा, बट इसमें जो एक वो भी था कपड़ा भी था टावल टाइप का, वो उसको दिखा रहे थे स्पंज के सारा मतलब सोख लेता पानी वानी, तो ये मैंने बोला इस टावल से अच्छा ये हम स्पंज ही ले जाते हैं, गीला गीला सा होता है, तो ये तो यूज करके ही पता चलेगा कैसा है, और अभी तो ये जब यूज करूंगी ना तब बताऊंगी कैसा है ये, मतलब जैसे वो दिखा रहे थे वैसी है कि थोड़ा अलग है ये, तो ये भी लिया है मैंने, छोटी छोटी शॉपिंग करी जो घर की है, और लिया है तो ये है, ये देखो रूम फ्रेशनर है ये, और ये यहाँ पे मिलते तो हैं पर ये वाली मतलब ये वाली खुशबू वाले भी मिलते हैं कुछ, मतलब जो उनके टोटली मतलब लेमन होगा कुछ होगा तो वो मिलते हैं, पर ये वाला नहीं मिलता है, तो ये मिल रहे थे, इसकी भी अच्छी डील थी, ये था एक के साथ एक फ्री 150 में, यहाँ पे 150 का एक ही मिलता है, वैसे इसकी कॉस्ट है 169 लिखा हुआ है, और मच्छर काट है जी लगी है, ये इस पे लिखा है 169, तो हमारे यहाँ वन मतलब इतने का ही मिलता होगा पर एक पे एक नहीं मिलता है, तो ये मैं 150 का मिला हमें एक के साथ एक है इनमें, तो पैक भी थे मतलब पूरे पैकिंग में ही थे ये, तो ये लेके आई 151 का मतलब 150 का एक के साथ एक, तो ये अच्छी डील लगी तो मैंने ले लिया रूम फ्रेशनर, और इस पैक में दिया उन्होंने, मतलब जिनके रेट हमें रीजनेबल लग रहे थे तो वही लिया हमने, और कुछ ज्यादा इतना महंगा मतलब सामान नहीं लिया, मतलब देखने तो मैं कारपेट गई थी कि मुझे अच्छे रेट में कारपेट मिल जाए, पर कारपेट बहुत महंगे थे, 8-8, 10-10 हजार के थे, तो बार्गेनिंग वो कितना कर रहे थे 5 हजार के करीब कर रहे थे, तो मैंने बोले इतना महंगा तो नहीं ले जाऊंगी, और ले जाने में परेशानी, हमें कैब भी करनी पड़ती उसमें, तो फिर मैंने बोले इतना महंगा तो नहीं चाहिए, मुझे कम से कम कम रेट में चाहिए, पर वो कम रेट उन्होंने लगाया ही नहीं, कितना लगाते हैं। और लाए हैं जीरा, ये पीने के लिए है, बच्चे शायद सर्दी हो चाहे गर्मी हो, तो बच्चों को मतलब ये है खेल के आते हैं तो बच्चों को उनको पीने के लिए चाहिए ही चाहिए, तो ये लाई हूं मैं, उसने बोला है मतलब जो शॉप वाला था उन्होंने बोला है कि ये तुम लिमका या सोडा वगैरह में डाल के पी सकते हो इसको, तो ये जीरे का टेस्ट है, हमने फ्लेवर चेक किया था वहां पे पी के, तो काफी अच्छा खट्टा मीठा टेस्ट आ रहा था, तो जीरे वाला है इसमें ये वाली बॉटल है, तो ये मिला हमें 150 के उसमें 150 की बॉटल पड़ी एक आदमी को, तो सारी लाए एक एक दो दो बॉटल, तो मैंने भी उठा लिया, और वैसे इस पे लिखा है इस पे इसकी कॉस्ट लिखे 200 रुपीज, तो ये हमें 150 का मिला है, तो लास्ट दिन यही कि खाने पीने की चीजें थोड़ी सस्ती हो जाती हैं, और मैंने मेकअप वाला मार्ट्स का वहां से लिया है, मैंने लिप लाइनर लिए, तो ये लिप लाइनर जो है इनके शेड बाहर मिलते नहीं है, मतलब उनके पास मतलब आते ही नहीं है, ये खत्म हो जाते हैं, तो फिर मुझे ये वाले शेड चाहिए, वो लिप लाइनर के शेड लाइनर में, तो ये मिलते नहीं है बाहर, तो मुझे वहां मिल गए तो इसलिए लिया, ये 70 रुपीज के हैं ये दो पेंसिल्स, मतलब अच्छे हैं इसके प्रोडक्ट, मार्ट्स के मैंने पहले भी यूज कर रखे हैं, तो मुझे ठीक लगा इनका रेट, तो मैंने ये वाली ले ली, लिपस्टिक सब मेकअप का सब सामान था इनके पास, तो ये दो पेंसिल वाले लाइन, ओह देखो ये लिया हमने उत्तराखंड के वहां से, उत्तराखंड के वहां से हमने ये शादियों में यूज होता आजकल, मेरे पास पड़ा हुआ है एक, पर मैंने बोले एक ऐसा आर्टिफिशियल ले लेती हूँ, तो ये मतलब जैसे तुमने दूर दूर जाना अपना गोल्ड सामान ले सकते हो ना तुम,
तो ये नकली पहन सकते हो तुम, तो काफी अच्छा डिजाइन भी काफी सुंदर है इसका। लेनी तो नथ भी थी, नथ बहुत बड़ी बड़ी थी, तो बड़ी नथ तो मतलब काफी बड़ी हो जाती वो, तो इसलिए नथ नहीं ली हमने। तो ये अच्छे रेट में मिल गया हमको, 200 के रेट में मिल गया। वैसे इसकी 350 बोल रहे थे वो, तो हमने दो तीन लोगों ने लिया तो 200 का लग गया ये। इसको बोलते हैं गुलोबंद, उत्तराखंड में काफी फेमस है, हमारे वहां काफी लोग लगाते हैं इनको। ये देखो, ये हींग लिया है, हींग की बॉटल जो एक के साथ एक फ्री मिल रही थी, तो एक भाभी ने ली एक मैंने ले ली। इस पे लिखा है 180 की एक पड़ी है हमें, तो ये एक मैंने ली और एक भाभी जी ने ली। हाँ, और सबसे सबसे अच्छा है, हमें सूट पसंद आ गया जम्मू कश्मीर के स्टॉल से, तो मैंने लिया है ये वाला मस्टर्ड कलर। मुझे मतलब येलो और मस्टर्ड, मतलब येलो कलर मुझे काफी अच्छा लगता है, खिला खिला सा, तो ये उसमें मुझे ये मिल गया ये वाला। और इसका स्टॉल है, स्टॉल में पूरा काम हो रखा है। कैसा लगा? 1500 का बोल रहे थे, तो मैंने इसको कम कराया, मैंने बोला 1000, तो पहले तो नहीं माने, पर जब हमने बोला दो तीन सूट ले लेंगे तो उन्होंने बोला ठीक है 1000 रूपये का, तो 1000 रूपये में दीदी में मैंने और भाभी जी ने हम तीनों ने ले लिया 1000 रूपये में, तो काफी अच्छा लगा मुझे देखो। और कपड़ा भी काफी अच्छा है इसका, मतलब ऐसे गर्म हैवी वाला है, मतलब मुझे कश्मीरी मतलब वाले सूट लेने थे गरम सूट, तो मुझे रेट ठीक लगा, रीजनेबल लगा, कपड़ा भी अच्छा था, तो इसलिए मैंने ले लिया हमारे रेट के हिसाब से। और भीड़ कितनी इतनी हो रखी थी, भीड़ बहुत हो रखी थी। जो पवेलियन 6 था ना, जिसमें हम लास्ट में गए थे, उसमें थोड़ी कम भीड़ थी, थोड़ा वो दूर था ना, तो उसमें कम भीड़ थी। उसमें पिछली बार भी नहीं गए थे हम, तो हमने बोला इस बार होके आते हम, और ये पहन के दिखाऊंगी कभी जब मौका आएगा कोई शादी वादी का, तो ये पहन के दिखाऊंगी। और नथ भी लेनी थी वैसे, पर चलो कोई बात नहीं, देख लेंगे नथ भी। तो इतनी सी शॉपिंग है हमारी, थोड़ी बहुत ज्यादा जितनी बार भी गई मैंने थोड़ी थोड़ी शॉपिंग करी, जो मेरे रेट के हिसाब से था, मुझे रीजनेबल लगा तो सामान लिया मैंने। तो चलिए दोस्तों, यही थी छोटी सी शॉपिंग, तो फिर मिलती हूँ मैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर भी करिए दोस्तों, जरूर। बाय दोस्तों, बाय।